आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन है 27/9/2022 से यहाँ पर स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, जो इस भर्ती की लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 20/10 यानी 20 अक्टूबर तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर पाएंगे। कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी से भी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो कॉन्स्टेबल के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती में भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आप सिंपल 10वीं-12वीं पास कैंडिडेट है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, यानी कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर पाएंगे। अगर आप मेल कैंडिडेट है, जो आपको दौड़ लगानी होगी 1600 मीटर के लिए, आपको यहाँ पर 6 मिनट का समय भी दिया जाएगा। कितनी यहाँ पर आपकी हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कौन से कैंडिडेट को यहाँ पर कितनी दौड़ लगानी होगी, कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट में भी आपको दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको उन्हें तभी लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, टोटल 2 प्रकार की वैकेंसी दी गई है। कॉन्स्टेबल के लिए होगी और ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हो कहने पहले तो भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट में यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती की फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, यानी कि जो आपकी हाइट रहेगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 70 सेंटीमीटर, फीमेल के 55 सेंटीमीटर। आप नॉर्थ इन जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 162 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपका यहाँ पर दौड़ होगी, यानी कि जो आपको रनिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर के लिए आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 मीटर के लिए आपको यहाँ पर 2.5 मिनट यानी कि 2 मिनट 30 सेकंड का समय आपको भी दिया जाएगा। और अगर आप सर्विसमैन कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पर 1600 मीटर के लिए यहाँ पर 10 मिनट का समय आपको भी दिया जाएगा। हिंदी में जानकारी के लिए आपको यहाँ पर क्लिकर पर क्लिक करके आप यहाँ से इस भर्ती की हिंदी में जानकारी भी ले पाएंगे। ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जानकारी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, आपके पास जो फोटो है उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है। और जो आप सिग्नेचर करते हैं वो ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन से कर सकते हो, यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इन्हें कोई और ID दे सकते हैं, उससे इस भर्ती का आवेदन फिल कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका यहाँ पर सेकंड रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद से आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट रहेगा। कॉन्स्टेबल के लिए यहाँ पर केवल एक एग्जाम आपका यहाँ पर लिया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के सिलेबस की बात करें, यानी कि जो आपका यहाँ पर एग्जाम पैटर्न होगा, टोटल आपके यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आएंगे जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। एक सब्जेक्ट 50 नंबर का, सेकंड एग्जाम 30 नंबर का, जो थर्ड एग्जाम होगा वो आपको यहाँ पर 20 नंबर का आपको यहाँ पर रहने वाले, यानी 3 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर टोटल आने वाली है। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं-12वीं ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा उसकी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो ASI की वैकेंसी, उसमें ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। वो कॉन्स्टेबल के लिए सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ तक आपका वेतन दिया जाएगा, यानी कि इतनी सैलरी आपको मिलने वाली है। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, UR जनरल अदर स्टेट के लिए 500 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पे करना होगा, और SST फीमेल के लिए 200 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पे करना होगा। और आपको जो फीस पेमेंट करनी होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा या आप यहाँ पर इनको पे भी कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपके एज 18 ईयर से लेकर 25 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। OBC वालों के लिए 18 से 28, SST कैंडिडेट के लिए 18 से 30, जो एज काउंट की जाएगी 31 अक्टूबर तक की जाएगी, यानी कि 31 अक्टूबर को आप कितने 18 से कम होने, 25 से
ज़्यादा हो, यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी जाएगी, एस सी वालों को 5 रुपये दी जाएगी, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 रुपये छूट भी आपको दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती का आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस आपको फर्स्ट कमेंट में भी लिंक प्रोवाइड किया गया है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर न्यू यूजर पर क्लिक करना होगा। अगर आपने अब से पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर सिंपल लॉगिन पर क्लिक करके आपका फॉर्म फिल कर लेना है। तो हमें करना है न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपको यूजर नेम पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। इसके बाद से आपको यहाँ पर आगे का फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग स्टूडियो बना दूँ किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, लेकिन कम से कम अगर स्टूडियो पर 300+ लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा, और उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। इस बढ़ते हुए फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना होगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर शॉर्ट नोटिस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का शॉर्ट नोटिस आपके सामने आ जाएगा। 27/9 से यहां पर इस भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए वो 20/10 तक आप यहां पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी उसकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है, एक बार आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं। और सभी के सभी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर भी दी गई है। इस वेबसाइट पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि इंपोर्टेंट डेट रहेगी, कौन सी कैटेगरी के लिए क्या वैकेंसी आपको यहां पर दी गई है, यानी कितनी टोटल वैकेंसी मिलने वाली है, उसकी जानकारी भी आपको यहां पर प्रोवाइड की गई है। इस वेबसाइट का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में भी दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।